महाराष्ट्र का कश्मीर महाबलेश्वर महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई तेरह मीटर है महाबलेश्वर की प्राकृतिक सुषमा अद्वितीय है इसके सुंदर बगीचे झील घुमावदार सड़कें सुसज्जित दुकानें और और अनगिनत दृश्यवलियां इसका अनमोल खजाना है इसलिए महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का कश्मीर भी कहते हैं महाबलेश्वर शब्द तीन संस्कृत शब्दों के जोड़ से बना प्रतीत होता है कहा जाता है कि महाबलेश्वर का उल्लेख रामायण काल में आता है पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कृष्णा नदी का उल्लेख जिसका उद्गम पंचगंग मंदिर के पीछे स्थित पहाड़ से बताया जाता है स्कंद पुराण में मिलता है इसके अतिरिक्त येना कोयना और सावित्री का उद्गम भी यही हुआ माना जाता है इसके आधार पर यह कहना औचित्य पूर्ण होगा कि महाबलेश्वर क्षेत्र बहुत ही प्राचीन है महाबलेश्वर महाराष्ट्र का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है हमेशा से यह पहाड़ी शहर अपने दिलकश नजारों के कारण पर्यटकों की पहली पसंद रहा यहां आने वाले पर्यटक पहाड़ी घाटी और कलकल -कल करते झरनों के बीच शांति और सुकून का अनुभव करते हैं महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में पश्चिम घाट में स्थित है महाबलेश्वर की मनोरम सुंदरता को नदियों शानदार झरनों राय चोटियों और खूबसूरत स्ट्रोबेरी फॉर्म के लिए जाना जाता है इस शहर में प्राचीन मंदिर बोर्डिंग स्कूल हरे भरे घने जंगल झरने पहाड़ियां, घाटियां शामिल हैं। अफजल खां और शिवाजी का ऐतिहासिक मिलन स्थल महाबलेश्वर सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में मुगलों के अधीन था लेकिन कुछ ही समय बाद हिंदू योद्धाओं ने इसे वापस ले लिया था सन 1650 के लगभग महासमर्थ शिवाजी ने इस क्षेत्र में अपनी युद्ध योजनाओं का केंद्र बनाया प्रतापगढ़ का किला महाबलेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर पर स्थित है अफजल खां और शिवाजी का ऐतिहासिक मिलन पश्चात युद्ध यही हुआ बताया जाता था शिवाजी के बाद यह प्रसिद्ध किला पेशवाओं के अधीन रहा 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस भूभाग पर अधिकार कर लिया तब इसे महाराज सतारा के राज के अंतर्गत माना गया महाबलेश्वर महाराज का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन महाबलेश्वर के आधुनिक विकास का श्रेय मुख्यतः अंग्रेजों को ही है महाबलेश्वर के इतिहास में मुंबई के गवर्नर सर जॉन मालकोलम का दौरा जो मई 1828 को हुआ था बहुत अधिक महत्व रखता है इस पर्वतीय प्रदेश के स्वामी सतारा के राजा प्रताप सिंह ने मुंबई में तत्कालीन गवर्नर को ग्रीष्म ऋतु में यहां आमंत्रित किया था। गवर्नर यहां की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने यहां एक स्थापित करने की जारी की सेनेटोरियम को स्थापित करने की योजना कार्यान्वित करने का प्रमुख श्रेय लेफ्टिनेंट कर्नल विग्रस को है जो उस अवधि में सतारा के रेजिडेंट थे महाबलेश्वर के विकास में कतिपय अंग्रेजों ने विशेष दिलचस्पी ली जिनमें विलियम बैकविथ जनरल डाक जनरल लाडविक श्री एल्फिंस्टन तथा लॉर्ड रे और सर लेल्सी विल्सन विशेष उल्लेखनीय है इनके नाम आज भी अमर हैं, क्योंकि प्रत्येक का नाम या तो किसी पॉइंट से संबद्ध है अथवा किसी बाग का नाम उन पर है महाबलेश्वर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ भी है प्राचीन महाबलेश्वर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है इसे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है महाबलेश्वर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कृष्णाबाई का है इस मंदिर को पंचगंगा के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर 6,000 वर्ग फीट के घेरे में बना है मंदिर में प्रवेश करते ही एक विस्तृत आंगन में दो जलकुंड बने हैं कहा जाता है कि मंदिर के पीछे की दीवार के बाद एक और दीवार है और उन दोनों दीवारों के बीच कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। आगे की दीवार में पांच नालियां बनी हैं जिन्हें पांच नदियां कृष्णा चेन्ना कोयना सावित्री और गायत्री का प्रतीक माना जाता है इन नालियों में जल का प्रवाह बराबर रहता है थोड़ी दूर आगे इन विभिन्न नालियों का जल सम्मिलित रूप से गौमुख से होकर नीचे बने कुंड में गिरता है यहाँ पर महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है इस मंदिर का निर्माण सन 1210 में सतारा के तत्कालीन राजा महाराज सिंह ने कराया था इसका पुनर्निर्माण सन 1566 में सतारा के बैंकर श्री पीएन एंगल ने कराया था महाबलेश्वर प्रसिद्ध था देवताओं और दानवों के युद्ध केंद्र रूप में कहा जाता है कि प्राचीन काल में महाबलेश्वर देवताओं और दानवों के युद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था यहां महाबल एवं अतिबल नामक दो दैत्य रहते थे, जो ब्राह्मण वर्ण के महान शत्रु थे वे ब्राह्मणों को कठिन यातना देते उनकी देव पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित करते तथा उनकी तपस्या भंग करते थे एक लंबी अवधि तक ब्राह्मणों ने कठोर यातनाएं सही पर जब स्थिति में कोई सुधार न हुआ तो उन्होंने लक्ष्मीपति विष्णु से प्रार्थना की कि इन दैत्यों की यातना से उन्हें मुक्त किया जाए कई दिनों तक चला था महाबल और भगवान विष्णु का युद्ध भगवान विष्णु ने अतिबल को युद्ध में मृत्यु के घाट उतार दिया जब महाबल ने अतिबल की मृत्यु का समाचार सुना तो उसकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी उसने भगवान विष्णु को ललकारा और स्वयं युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा महावल और भगवान विष्णु का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा स्थिति ऐसी आप पहुंची जब भगवान विष्णु बहुत ही थक चुके थे उन्होंने देवी मोहिनी से सहायता मांगी देवी मोहिनी ने ऐसी स्थिति उपस्थित कर दी जिसमें महावल विष्णु को उनके मांगने पर कुछ भी देने का वचन दे बैठा विष्णु ने दैत्यराज से अपने जीवित शरीर को अर्पित करने के लिए कहा महाबल ने प्रतिज्ञानुसार अपना शरीर भगवान विष्णु को सौंप दिया भगवान विष्णु ने उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए भगवान शिव जी इस युद्ध के मूक दर्शक थे दैत्यराज महामिल के बलिदान से अत्यधिक प्रसन्न हुए उन्होंने दैत्यराज की इच्छा पूरी करने का वचन दिया दैत्यराज ने अपनी और अपने भाई की स्मृति में दो मंदिरों के निर्माण की मांग की जिसमें शिव तथा विष्णु का निवास हो तथा उसे महाबलेश्वर और, और अति बलेश्वर के नाम से जाना जाए। कहते हैं कि भगवान शिव ने दैतराज की इस मांग की पूर्ति की और आज भी महाबलेश्वर और अति बलेश्वर मंदिर विद्यमान है महाबलेश्वर पंचगनी मार्ग पर वैष्णव झील स्थित है इस झील में पर्यटक नौका विहार का भरपूर आनंद ले सकते हैं झील के किनारे रमणी उद्यान होने के कारण यह एक बेहतरीन पिकनिक स्थल बन गया है इसके अलावा लिंगमाला धोबी चाइना मेन आदि झरने भी दर्शनी हैं महाबलेश्वर के प्रमुख दर्शनी स्थलों में यहां के पॉइंट्स हैं जैसे केटम पॉइंट मर्जोरियो पॉइंट हंटर पॉइंट विल्सन पॉइंट आदि इन स्थलों से घाटों के दृश्य अति सुंदर दिखाई देते हैं पंचगनी के मार्ग पर केटम पॉइंट सुई के छेद से दृश्य के लिए प्रसिद्ध है एक बहुत बड़े पत्थर में छेद है जहां से घाटी का बेहंगम दृश्य दिखाई देता है। शिवाजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला दर्शनी महाबलेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ में शिवाजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला दर्शनी है इस किले में शिवाजी ने अफजल खान की नाटकी ढंग से हत्या की थी यही अफजल खान तथा उनके अंगरक्षक की समाधि बनी है तथा जिस स्थान पर अफजल खां का सिर दफनाया गया था वहां टावर बना है दुर्ग के अंदर शिवाजी की आराध्य देवी का भवानी मंदिर बना है 30 नवंबर उन्नीस स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दुर्ग में शिवाजी की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया था यह विशाल प्रतिमा दर्शनीय है कैसे जाए महाबलेश्वर महाबलेश्वर पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मुंबई से यदि पुणे होकर जाए तो यह दो किलोमीटर दूर पड़ता है मलाड या पनवेल होकर जाए तो दो किलोमीटर रेल मार्ग द्वारा पुणे तक जाकर बस या टैक्सी द्वारा महाबलेश्वर सुगमता से पहुंचा जा सकता है महाबलेश्वर जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पुणे में स्थित है हवाई अड्डे से महाबलेश्वर जाने के लिए बसें तथा प्राइवेट टैक्सियां आदि उपलब्ध रहती हैं। महाबलेश्वर का खाना स्ट्रॉबेरी सहतूत गाजर मक्का चेरी आकार का टमाटर महाबलेश्वर के व्यंजनों का प्राकृतिक खजाना महाबलेश्वर के व्यंजनों का प्राकृतिक खजाना है स्ट्रॉबेरी से बने स्वादिष्ट भोग जैसे टॉफी सिरप, फूड आइसक्रीम फ्लेवर्ड क्रीम जेली के साथ कौन से बने कॉर्न पेटी शहर की एक खासियत है यहां आप इन सभी फ्रेश चीजों का आनंद ले सकते हैं इतना ही नहीं आप चाहे तो इन चीजों को खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते सबसे लोकप्रिय आइटम वड़ा पाव है जो पूरे महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड है चिक्की यहाँ की लोकप्रिय मिठाई है महाबलेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय क्या है महाबलेश्वर का मौसम पूरे साल सुखद और बेहद सुहाना रहता है इसलिए साल भर में आप कभी भी महाबलेश्वर की यात्रा कर सकते क्योंकि यह समुद्र तल से चौदह मीटर की ऊंचाई पर स्थित है इस ऊंचाई पर मौसम रुक रुक कर वर्षा के साथ पूरे साल सुखद रहता है इसलिए यदि आप एक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो महाबलेश्वर जाने के लिए अक्टूबर जून उचित महीने हैं महाबलेश्वर के लिए ट्रेवल टिप्स जब भी आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में हो तो अंधेरा होने से पहले आपको वहां से वापस आना होगा महाबलेश्वर जाने के लिए अपने साथ कपड़े और एक छाता रेन जरूर ले जाएं। पैदल चलने के लिए एक जोड़ी फ्लैट चप्पल या जूते आपको अपने साथ रखने होंगे जिससे आपके लिए यात्रा करना बेहद आसान हो जाएगा जंगली जानवरों के साथ कभी भी मित्रवत व्यवहार ना करें उन्हें भोजन या कुछ भी पेश ना करें इसके अलावा उन्हें छूने या उन्हें डराने की कोशिश ना करें महाबलेश्वर के ट्रेन पर ट्रैकिंग या लंबी पैदल यात्रा से बचें कोशिश करें कि यहाँ की यात्रा ग्रुप में रहकर करें महाबलेश्वर एक छोटी सी जगह है और लोग मददगार होटल के डेस्क से सभी आवश्यक दिशा निर्देश लेने का प्रयास करें अगर आपको किसी से कोई बात पूछनी है तो किसी एक की बात पर भरोसा ना करते हुए दो या तीन लोगों से पूछता जरूर कर क्या खरीदें? महाबलेश्वर ब्राह्मण की स्मृतियों को सहेज कर रखने के लिए पर्यटक यहाँ से चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, परंपरागत हस्तशिल्प हाँ की वस्तुएं तथा स्ट्रॉबेरी का जैम खरीद सकते हैं कैसे भ्रमण करें महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटन टूर द्वारा सुगमता से महाबलेश्वर नगर का तथा प्रतापगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया जा सकता है कहां ठहरे महाबलेश्वर में अधिकतर होटल शहर के मध्य बस स्टैंड के पास ही है होटलों की दरें सीजन ऑफ सीजन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है अप्रैल से जून तथा दिवाली के समय को छोड़कर आमतौर पर ऑफ सीजन ही रहता है। ऑफ सीजन में होटल के रेट लगभग आधे हो जाते हैं होटलों के अलावा महाबलेश्वर में पर्यटकों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते रहिए बंजारा बीट्स